जिलों में 30 वर्ष की आयु तक के लोगों का होगा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी रायपुर में जानकारी। वर्ष 2022 के पहले प्रदेश को माओवाद से मुक्त राज्य बनाने का मुख्यमंत्री ने दोहराया संकल्प। प्रमुख को मिली सजा पर स्वामी रामदेव ने दी प्रतिक्रिया, कहा शिखर पर बैठे व्यक्तियों को श्रेष्ठ रखना चाहिए आचरण। और शहीद कौशल यादव खेल पुरस्कार के लिए चुनी गई बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप एशियाई और विश्व जूनियर चैंपियनशिप में होंगी शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। देश के 100 जिलों में 30 वर्ष की आयु तक के लोगों के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज रायपुर में आयोजित संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पायलट योजना के तहत चुने गए देश के 100 जिलों में छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख जिले भी शामिल हैं। पूरा का पूरा तीव्र गति से आगे बढ़ाया है। आज हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की ओर जा रहे हैं। इस साल हमने 100 जिले तय किए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी जिले हैं। 30 साल की उम्र पर हम स्क्रीनिंग करेंगे, फ्री यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग होगी हाइपरटेंशन की, अपना डायबिटीज की, सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर। यानी 30 साल की उम्र में हम सबका निरीक्षण करेंगे और जिस पे भी कोई फर्स्ट स्टेज का कैंसर देखा गया या डायबिटीज देखी गई या प्री डायबिटीज स्टेज देखा गया तो हम उसका इलाज मुफ्त में शुरू कर देंगे। इस तरीके के फ्री स्क्रीनिंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि अगर नेता अच्छे हो तो नीतियां भी अच्छी बनेंगी। और आपके द्वारा सही व्यक्ति को सही जगह पर बैठाने से किस तरीके से देश की छवि बनती है, इसको हमको समझना चाहिए। नेता सही हो तो नीयत अच्छी हो, नीयत अच्छी हो तो नीति अच्छी बनती, नीति अच्छी हो तो कार्यक्रम अच्छा बनता है, और कार्यक्रम अगर अच्छा हो तो संकल्प से सिद्धि की ओर जाते हैं। इस बात को हमको समझना। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार का संकल्प दोहराया कि वर्ष 2022 तक प्रदेश को माओवाद से मुक्त राज्य बनाएंगे। टारगेट फिक्स किया, उस टारगेट की हम समीक्षा भी करते हैं। आज इस संकल्प को हमने लिया है, नक्सलवाद और आतंकवाद को समाप्त करेंगे। बड़ी चुनौती, देश की सबसे बड़ी समस्या डेमोक्रेसी की, सबसे बड़ा थ्रेट। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती यहां चुनौती है, और उस चुनौती से छत्तीसगढ़ भागने वाला नहीं है। हमने भी संकल्प लिया है कि 2022 के आने के पहले छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे, और करेंगे ही। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं करेंगे मत बोलो, करेंगे ही। तो मैं फिर दोहराता हूं, मेरी पूरी टीम ने संकल्प लेती है कि 22 के पहले छत्तीसगढ़ को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करेंगे ही। कंप्रोमाइज नहीं है, कोई रास्ता नहीं, अरे करना ही पड़ेगा, कौन करेगा। इस देश में सबसे बड़ी जवाबदारी आपको। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल और रायपुर के सांसद रमेश बैस सहित राज्य सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। अपने रायपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने रायपुर स्थित डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल का अवलोकन किया। वे खास तौर पर बच्चों के वार्ड में भी गए। अस्पताल में उन्होंने स्वयं सफाई की पहल करते हुए लोगों से पूरे परिसर में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। इसी कड़ी में आज बिलासपुर में भी संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प दोहराया।
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में वर्ष 2019 तक पूरे देश को खुले में शौच मुक्त बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान के तहत श्रेष्ठ कार्य करने वाली महिला सरपंचों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्य के उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक भी उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार। जनजन की भागीदारी से स्वच्छ भारत का महाअभियान 3 वर्षों में एक जन आंदोलन बन चुका है। स्वच्छता की राष्ट्रव्यापी चेतना की लहर में शामिल होने के लिए हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए, आपको एक निबंध लिखना है या 1-2-3 मिनट की लघु फिल्म बनानी है जिसका शीर्षक या विषय हो कि आप स्वच्छता के लिए क्या करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों यानी एंट्रीज को 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिलों और राज्यों में भी पुरस्कार दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं mygov.in यानी mygov.in पर या फिर newindia.in newindia.in पर या फिर अपने स्कूल, जिलाधिकारी या ग्राम पंचायत से आप संपर्क कर सकते हैं। आइए मिलकर बनाते हैं एक स्वच्छ भारत। नमस्कार। जनजन की भागीदारी से स्वच्छ भारत का महाअभियान 3 वर्षों में एक जन आंदोलन बन चुका है। स्वच्छता की राष्ट्रव्यापी चेतना की लहर में शामिल होने के लिए हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए, आपको एक निबंध लिखना है या 1-2-3 मिनट की लघु फिल्म बनानी है जिसका शीर्षक या विषय हो कि आप स्वच्छता के लिए क्या करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों यानी एंट्रीज को 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिलों और राज्यों में भी पुरस्कार दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं mygov.in यानी mygov.in पर या फिर newindia.in newindia.in पर या फिर अपने स्कूल, जिलाधिकारी या ग्राम पंचायत से आप संपर्क कर सकते हैं। आइए मिलकर बनाते हैं एक स्वच्छ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। और अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र कल सेवानिवृत्त हुए प्रधान न्यायाधीश J.S. केहर का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल लगभग 13 महीने का होगा। राजनांदगांव क्षेत्र के सांसद अभिषेक सिंह ने जिले के तुमड़ी बोर्ड इलाके में नई पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। इस पुलिस चौकी के जरिए आसपास के 30 से अधिक गांवों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। वहीं इन गांवों के लोगों को पुलिस की मदद लेने के लिए अब जिला मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रमेश मोदी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल सहित राज्य सरकार के विभिन्न मंत्री शामिल हुए। इन सभी ने श्री मोदी के सामाजिक योगदान की सराहना की। कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री अमर अग्रवाल ने कम वर्षा से प्रभावित किसानों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को रोजगार और आजीविका के लिए कहीं पलायन की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर खंड वर्षा के कारण किसान सूखे की आशंका से ग्रस्त हैं। राजनांदगांव जिले के विभिन्न गांवों में भी सूखे का खतरा मंडराने लगा है। प्रभावित किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। इन किसानों ने राज्य सरकार से कर्ज माफी और 3 वर्षों के बोनस दिए जाने की मांग की। रायपुर स्थित डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण 4 बच्चों की मौत सहित कुछ अन्य मामलों को लेकर राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के स्थानीय कार्यालय का घेराव करने जा रहे इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने धरना स्थल पर ही हिरासत में ले लिया।
जांजगीर के चांपा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत ने कार्यकर्ताओं को राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों से संबंधित जानकारी दी। शिविर में कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। 17वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता दुर्ग में संपन्न हो गई। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में अपना कौशल दिखाया। समापन अवसर पर राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने विभिन्न खेलों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर खिलाड़ियों ने भी आकर्षक मार्च पास्ट किया। मशहूर पार्श्व गायक मुकेश की याद में बिलासपुर में मेरे मुकेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न गायकों ने मुकेश के लोकप्रिय गीतों को गाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इन गीतों को सुनकर दर्शकों ने भी भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी गायक कलाकारों को सम्मानित किया गया। 10 दिवसीय ओणम महोत्सव केरल में शुरू हो चुका है। इस दौरान हर दिन अलग अलग रस्मों के साथ साथ विविध संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इसी उपलक्ष्य में भिलाई में केरल समाज द्वारा पुष्प रंगोली का आयोजन किया गया। इसमें युवतियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आइए बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। करीब 15 वर्ष पहले दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आज रोहतक के सुनारिया जेल में सीबीआई के विशेष जज ने इस मामले की सुनवाई के बाद सजा सुनाई। सजा का ऐलान को देखते हुए आज सुबह से पंजाब और हरियाणा में पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इस बीच रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा है कि किसी भी क्षेत्र में शिखर पर बैठे व्यक्तियों को अपना आचरण श्रेष्ठ रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आचरण पर सवाल उठते ही कानून सबके लिए एक जैसा व्यवहार करता है। ये ना गुरुओं पर सवाल है, ना किसी संस्कृति पर सवाल है, ये किसी भी व्यक्ति के आचरण पर सवाल है। आचरण चाहे धर्म सत्ता हो, राज सत्ता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, कोई भी शिखर पर बैठा व्यक्ति यदि गलत आचरण करेगा तो कानून अपना काम करेगा और कानून सबके लिए बराबर होता है। हमारे पास में चाहे कितना ही ऐश्वर्य है, कितनी प्रॉस्पेरिटी है, कितनी पावर है, कानून सबके लिए बराबर होता है। स्वामी रामदेव रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनिर्मित कार्यालय के लोकार्पण समारोह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हुए थे। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा घोषित खेल पुरस्कारों में भिलाई की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप को शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए चुना गया है। आकर्षी राज्य की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्हें 17 वर्ष और 19 वर्ष आयु के वर्ग में पिछले 2 वर्षों से लगातार पहली वरीयता प्राप्त है। उनका सपना ओलंपिक और विश्व कप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने का है। ईयर बाय ईयर हम लोग प्लान किए, अलग अलग प्लान्स आए। जैसे पहले तो मेरा प्लान था कि पहले स्टेट्स जीतूं, उसके बाद फिर ऑल इंडिया रैंकिंग जीतूं, फिर अभी ऑल इंडिया रैंकिंग में जीत चुकी हूँ। पिछले साल की अंडर 17 नेशनल चैंपियन हूँ, तो अभी मेरा एम है कि मैं अंडर 17 19 दोनों की नेशनल चैंपियन बनूँ और सीनियर्स में भी नेशनल्स में अच्छा परफॉर्मेंस दूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था सीनियर्स में। मैं चाहती हूँ उस मेडल को मैं और अपग्रेड करूँ। आकर्षी के कोच प्रवीण उपाध्याय का कहना है कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए वह हर दिन 6 से 8 घंटे अभ्यास करती है। उन्हें उम्मीद है कि आकर्षी का नाम जल्द ही देश के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हो जाएगा। जो स्टेमिना है, जो दम है, मेरे को लगता है कि अभी जितने भी जूनियर्स इंडिया में जो खेल रहे हैं, अभी करंट में जो टॉप 10 है, उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर स्टेमिना की बात है, वो मेरे को लगता है कि आकर्षी कश्यप के पास जो उसका प्लस पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा स्टेमिना, और जो स्पीड की बात है तो वो थोड़ी स्पीड उसे अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अभी ऐसा लग रहा है कि स्पीड थोड़ी उसकी कम है, जैसे नेट एड पे ऐसा लग रहा है कि टैप वैप थोड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्टेमिना उसका जो प्लस पॉइंट है अभी सबसे बड़ी कि उसकी स्टेमिना बहुत है उसके पास। अभी नेशनल में तो करंट में 17 की नेशनल चैंपियन ही है। अपन आगे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सोच रहे हैं कि वो इंडिया के लिए मेडल लेके आए। वहीं आकर्षी की मां श्रीमती अनिता कश्यप को इस बात की बेहद खुशी है कि उनकी बेटी ने छोटी उम्र में ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, बना लिया है स्पोर्ट्स को, और उसे पता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी है, इसलिए वो उसमें अपने हिसाब से पूरी मेहनत करती है। और
ऐसा नहीं है कि आकर्षि पढ़ाई में वीक है, वो अभी 10th जस्ट पास की है और 10th में भी उसका रिजल्ट 9.2 CGPA है, तो वो दोनों को मैनेज कर रही है और उसे अभी लगता है कि मुझे स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ना है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली आकर्षि कश्यप को आने वाले दिनों में एशियाई और विश्व जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।